हेलो डियर फ्रेंड, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल WSBCS क्लासेस। फ्रेंड्स, इस वीडियो में बात करने वाले हैं राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, जी हां, बिहार LRC से लेटेस्ट अपडेट कह सकते हैं। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, संविदा राजस्व कर्मियों को समय पर मिलेगा मानदेय। कहने को तो ये वीडियो कुछ खास नहीं है, बट इसमें कुछ ऐसे बातों को मैं बताने वाला हूँ जो आप लोगों को जानकारी अच्छी लगेगी। जी हाँ फ्रेंड्स, पूरी जानकारी इस वीडियो में देने वाला हूँ। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले, हमारे इस चैनल पर जो पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं, उनसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को जो है सब्सक्राइब कर दे और बेल आइकन को प्रेस कर दे, ऑल नोटिफिकेशन ऑप्शन को ऑन कर दे, ताकि वीडियो जैसे ही मैं डालूं तो उसका नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पर सबसे पहले पहुंचे और उस वीडियो को आप देख पाएँ। रही बात लेटेस्ट अपडेट की, तो यहाँ पर देख सकते हैं, आप लोग को मालूम ही है कि सहायक बंदोबस्त पदाधिकारी का रिजल्ट को रद्द कर दिया गया है। न्यू मेरिट लिस्ट कब तक आएगा उसके बारे में मैंने जानकारी दिया है, तो आप लोग इस वीडियो को ज़रूर देख लेंगे, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर बिहार पुलिस में जो 11,880 पोस्ट पर जो वैकेंसी निकली है, उसका लास्ट डेट 4/11/2019 है अप्लाई करने का। उससे पहले सभी लोग जल्द से जल्द अप्लाई कर लेंगे। रही बात इसमें सिलेबस के बारे में, तो यहाँ पर ऑफिशियल सिलेबस जो डाला गया है वो कहाँ तक सटीक है उसके बारे में मैं जानकारी दे रखा हूँ, तो आप लोग इसे भी ज़रूर देख लीजिएगा। BPSC 65वीं, जी हाँ फ्रेंड, लोगों का राय, लोगों के मार्क्स को लेकर के यहाँ पर सारी जानकारी को इकट्ठा करके मैंने यहाँ पर एक सटीक कट ऑफ आप लोग को बताया, तो इस कट ऑफ को भी आप लोग जरूर देख लीजिएगा 65वीं का। उसके बाद नीचे स्क्रॉल करके आते हैं, 50% आरक्षण आने के साथ जो है बंदोबस्त पदाधिकारी का रिजल्ट जो है पोस्टपोन यानी कि रद्द कर दिया गया है, तो यहाँ पर पूरी जानकारी मैं देखने वाला हूँ। और प्राइवेट गवर्नमेंट कॉलेज को 50% का आरक्षण मिलेगा या नहीं मिलेगा उसके बारे में जानकारी मैं दे रखा हूँ, तो आप लोग इसे भी ज़रूर देख लीजिएगा। उसके बाद नीचे स्क्रॉल डाउन करके आते हैं, तो 8 वर्षों का जो है एज रिलैक्सेशन जो है बिहार STT में लोगों की मांग थी, तो पटना हाई कोर्ट ने तो मंजूरी दे दिया, लेकिन शिक्षा विभाग अभी भी उलझन में, तो यहाँ पर पूरी जानकारी मैं दिया हूँ, तो आप लोग इसे ज़रूर देख लीजिएगा। उसके बाद नीचे स्क्रॉल करके आते हैं, जो जिला स्तरीय रोजगार मेला जो है का आयोजन किया जाता है बिहार श्रम संसाधन विभाग के द्वारा, तो यहाँ पर कब कहाँ होने वाला है लेटेस्ट में बहुत जल्द मेला, उसके बारे में मैंने यहाँ पर ऑलरेडी जानकारी दे दिया है और योग्यता भी बता दिया है, क्या सब लेकर के जाना है वो भी बता दिया हूँ मैं यहाँ पर। और बिहार में न्यू रिक्वायरमेंट फाइनेंशियल एडवाइज़र का जो आया है, आप लोग इसे ज़रूर देख लीजिएगा, न्यू रिक्वायरमेंट होगा, जो लोग एलिजिबल होंगे अप्लाई भी करेंगे। और बिहार जीविका ने, जी हाँ फ्रेंड्स, बिहार जीविका ने 470 कैंडिडेट को बिहार रोजगार जो है दिया है, तो यहाँ पर मैंने जानकारी दिया। और डिस्ट्रिक्ट वाइज रोजगार मेला कहाँ कैसे लगेगा, तो यहाँ पर जानकारी मैं दे रखा हूँ, तो आप लोग इसे भी ज़रूर देख लीजिएगा। रही बात 65वीं का जो है आंसर की, ऑफिशियली आंसर की कब आएगा, तो यहाँ पर मैंने जानकारी दे रखा है, तो आप लोग इस वीडियो को भी ज़रूर देख लीजिएगा और शेयर भी कर दीजिएगा। तो आइए, जैसा कि मैंने अभी संविदा कर्मियों के बारे में बताया है, उसके बारे में जानकारी देख लेते हैं। सबसे पहली बात, आप लोग को एक बात बता दें कि सहायक बंदोबस्त पदाधिकारी का रिजल्ट तो निरस्त कर दिया गया है, रद्द कर दिया गया है, तो स्वाभाविक है जो 2020 जो है यहाँ पर बताया जा रहा है, 2000 बताया था मैंने पिछले वीडियो में जनगणना को लेकर के, सॉरी जनगणना नहीं, सर्वेक्षण को लेकर के, तो वहाँ पर जो है अब यहाँ तो बहाली होगा नहीं, तो सर्वेक्षण की काम तो अभी रुकी रहेगी। और रही बात कि इसका रिजल्ट अगर नए सिरे से आता है LRC का, तो उसमें भी मेरिट लिस्ट अगर नए सिरे से आता है तो फिर भी उसमें महीना भर टाइम जरूर ले लेगा, महीने के बाद वो जो है हो सकता है उसका न्यू मेरिट लिस्ट आए। और रही बात सभी प्रक्रिया नए तरीके से, अगर वो आवेदन ले करके जो सारी प्रक्रिया नए तरीके से करना चाहेगी, तो उसमें 2-3 महीना तो ऑलरेडी ले ही लेंगे, तो कहीं ना कहीं यहाँ पर महीना भर का टाइम जो है मिनिमम लगने वाला है। तो ऐसे में संविदा कर्मियों का अगर वेतन नहीं मिलेगा, तो फिर जो भी वहाँ पर राज्यकर्मी है, जो भी जो है कर्मचारी वगैरह हैं, उनको अगर मानदेय नहीं मिलेगा, 9 से 16 महीने तक का वेतन नहीं मिला उन लोगों को, तो यहाँ पर जो है LRC ने एक बहुत बड़ी अपडेट दिया है कि मिलेगा मानदेय, तो अगर नहीं मिलेगा तो उन लोगों की वो लोग कार्य सही ढंग से नहीं कर पाएंगे, तो फिर दिक्कत प्रॉब्लम हो जाएगी। तो यहाँ पर एक अपडेट आई है मानदेय को लेकर के, तो आप लोग ज़रूर इसे देखिएगा और शेयर भी कर दीजिएगा, ताकि जो भी कर्मी हैं उन तक इस वीडियो को पहुँचा दीजिएगा, उन तक ये खबर जो है चली जाए। तो आइए देख लेते हैं उस अपडेट को। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर देखिए, आज के पटना का हिंदुस्तान पेपर में ये भी अपडेट आया था, और वो भी अपडेट जो मैंने बताया था कि इससे पहले वाले वीडियो में जो मैंने बताया था अपडेट, वो भी आया है, तो उसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हो जाएगा, तो उसे भी आप लोग जरूर देख लीजिएगा अच्छे से। संविदा राजस्व कर्मियों को समय पर मिलेगा मानदेय, यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर 2 करोड़ 20 लाख
28,000 रुपये सरकार ने चालू वित्तीय वर्ष के मानदेय भुगतान के लिए जारी किए हैं। तो यहाँ पर बहुत बड़ी खुशखबरी कह सकते हैं उन लोगों के लिए, ठीक है, सहूलियत देखने को मिलेगा उन लोगों को। मानदेय की राशि किसी भी सूरत में अन्य मदों खर्च नहीं की जाएगी। राजस्व कर्मियों की राशि भूमि सुधार उप समाहकर्ता कार्यालय में भेजी जाएगी, तो वहां से प्राप्त कर सकते हैं। उसके बाद यहां पर पूरी जानकारी देख लिया जाए, संविदा पर तैनात राजस्व कर्मियों को समय पर मानदेय देने की तैयारी चल रही है। ये प्रयास है कि प्रत्येक महीने 7 तारीख तक उपयोगिता प्रमाण पत्र व्यय विवरणी सरकार को उपलब्ध करा दी जाए ताकि भुगतान की प्रक्रिया शुरू हो जाए। अभी इन संविदा कर्मियों खास करके जिले के भूमि सुधार उप समाहकर्ता कार्यालयों में तैनात कर्मियों को वेतन मिलने में अक्सर विलंब हो जाता है। जी हाँ फ्रेंड्स, कई स्थानों पर आवंटन जाने में भी जो है देरी के कारण भी मानदेय भुगतान में विलंब हो जाता है। सरकार ने यह सख्त निर्देश दिया है कि मानदेय की राशि को किसी भी सूरत में अन्य मदों में खर्च नहीं किया जाए। सरकार के फैसले से इन कार्यालयों में कार्यरत कार्यालय सहायक, ड्राफ्टमैन, असुलिपिक प्यून से लेकर आदेश पालक तक को लाभ होगा। राजस्व कर्मियों की राशि भूमि सुधार उप समाहकर्ता कार्यालय भेजी जाएगी। चालू वित्तीय वर्ष के मानदेय भुगतान के लिए 2,20,28,000 जारी हो गए हैं। स्वीकृति पद के विरुद्ध संविदा कर्मियों के मानदेय के लिए आवंटन आदेश अलग से जारी होगा, और जैसे ही अलग से जारी होगा तो आप लोगों तक ये जो है पैसा चला जाएगा। तो यहाँ पर जो भी आता है अपडेट बिहार LRC से, उस अपडेट को पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर दे, बेल आइकन को प्रेस कर ऑल नोटिफिकेशन को ऑन कर ले, ताकि जैसे ही मैं कोई भी वीडियो डालूँ तो उसका नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँचे, आप उस वीडियो को देख पाएँ। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में न्यू अपडेट के साथ, तब तक के लिए बाय।